ये मोहल्ले के ही हमारे लोग थे, अपनी कुएं की मोटर, कुएं में कई मोटर लगी है, सब अपनी अपनी मोटरें लगाते हैं, वो सही करने के लिए नीचे उतरे थे और वो ऊपर आते में ये हादसा, पाइप कुएं का सरिया निकल गया जिससे वो नीचे गिर गया। इनका नाम फरीद था मोहम्मद, इनकी 45 प्लस में उम्र है इनकी। कैसे सूचना लगी आपको? नहीं, हम सब मोहल्ले के लोग हैं, वैसे मैं इलाके में से पार्षद हूँ, तो जैसे ही ये हादसा हुआ मेरे पास खबर आई और हम सब लोगों ने मदद के लिए पूरे लोग आ गए और फिर नगर निगम की रेस्क्यू टीम वगैरह, पुलिस वगैरह सब आके निकाल लिए गए। अभी अब अस्पताल में जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्थिति है। उनको थोड़ी कमर में लगी तो है, लेकिन सही है, मालिक ने साहब ठीक है देंगे। हाँ, कुएं में, क्योंकि कुएं में अभी निगम की तरफ से साफ कराया था तो काफी पानी बढ़ गया, तो लोग रोज इस कुएं से, कई परिवार के यहाँ पानी जाता रहता रहता, तो वो भी अपनी मोटर सही करने के लिए। ये 60-1 फीट गहरा है लगभग। ये तो काफी वर्षों पुराना कुआ है, मतलब जब चंदन नगर नहीं बसा था उस टाइम का कुआ है। यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस से और ये हम लोगों की अवेयरनेस से कुआ सही सलामत है। मतलब इनका मेडिकल स्टोर है सामने ही, कुएं के सामने इनका लामिन मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान है, ये वहीं पे, और पूरा कुएं की देखरेख वगैरह सब, चाबी वगैरह जो रहती है इन्हीं के पास रहती है। हाँ, मोटर अपनी सही करने के लिए उतारा था, पानी नहीं आ रहा था इसलिए उतारा था। मोहम्मद मुबारक मंसूरी, पार्षद चंदन। ये आज चंदन नगर क्षेत्र में लोहा गेट गली नंबर 2 में एक शासकीय कुआ है नगर निगम का, जिसमें काफी लोगों ने अपनी मोटर डालकर पानी निकालते हैं। तो आज एक लगभग 50 उम्र के व्यक्ति हैं, फरीद पिता मुस्तकीन खान, ये अपनी मोटर डालने के लिए गए थे। ये उसका दरवाजा, जो छोटा गेट था, उसको खोल के अंदर झुके थे तो दुर्घटनावश वो नीचे गिर गए थे और कुएं पानी कम होने की वजह से घायल हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल कंट्रोल के माध्यम से सूचना लेकर SDRF टीम को मौके पर बुलाया गया। SDRF टीम के कैप्टन सुभाष कौसर और उनकी लगभग 10 सदस्यों की टीम मौके पर आई थी और लगभग 40 फीट गहरे कुएं से मिस्टर फरीद को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है। काफ़ी चोट ज़्यादा थी उनको, कमर में चोट होने की वजह से वो उठने और बैठने की स्थिति में नहीं थे, और मेहनत करके टीम ने और पुलिस टीम द्वारा सहयोग किया गया और निकालकर उनको रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया गया इलाज के लिए। क्या करते हैं ये, वहीं जो शासकीय कुआं है उसमें मोटर डाल के पानी निकालते थे, क्योंकि गर्मियों का समय चल रहा है और पानी निकालने की कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए गए थे, उससे दुर्घटनावश वो गिर गए थे, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी अन्य कोई बात आती है तो देखा जाएगा। तो उसमें निश्चित रूप से नगर निगम को सूचना दी जाएगी और कुएं को बंद कराया जाएगा जिससे कोई और दुर्घटना ना हो।